चालू भाई एयरपोर्ट देख नहीं रहा क्या? मेरी फ्लाइट है, मैं जाऊंगा कैसे? गोवा की फ्लाइट, एक ठुल्ला नहीं आया भाई, एक ठुल्ला है ना भाई, ठुल्ला नहीं आया क्या? एयरपोर्ट भाई चूतिया एयरपोर्ट है क्या? हम कल आ रहे हैं चाचा, प्लेन तक ले जाते हैं भाई। मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, तू यहाँ क्यों खड़ी है? बस खराब हो गई होगी भाई, डरावनी लग रही है ये बस भाई। हमें हिरन मिल गया डुबना पर रात में 12 बजे। व्लॉग भाई हो गया स्टार्ट। पहले नहीं किया तो क्या भाई, अब कर लिया है स्टार्ट अपन ने भाई। गोवा की मेरी फ्लाइट है, हम मैं और विशाल भाई छोड़ रहे हैं माधव भाई को गोवा के लिए। सामान है हमारे पास छोड़ने लायक। सामान कहाँ रखा ये तो बता दो भाई। सामान डिक्की में रखा है और नहीं बोला चूतिया मेरे। देखते हैं व्लॉग, हम कल पूछेंगे। आ गया भाई एयरपोर्ट, विमानतल। बेटा यहाँ पे अगर अपने को है ना भाई CRPF के ठुल्लों ने पकड़ लिया है ना, तो मिलिट्री वाली FIR ना काट दे। चालू भाई एयरपोर्ट देख नहीं रहा क्या? मेरी फ्लाइट है, मैं जाऊंगा कैसे? गोवा की फ्लाइट, वो आ गई भाई, मेरी फ्लाइट आ गई। तो भाई खुलवा लेंगे ना अभी, तो बात करता हूँ भाई। सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। मेरी फ्लाइट है। A few moments later. मेरी भाई फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, वापस आना पड़ा। वापस जा रहे हैं माधव भाई को लेके। म्यूजिक बहुत दुखे माधव भाई के। गार्ड ने ऐसा चमका है ना। खाली मत दे भाई, वो काटना पड़ेगा, नहीं तो मैं समझ सकता यार। गाली हो गया, अब गाली हो गई। गलती से भी भाई घर वालों ने देख लिया तो लफड़े हो जाएंगे ना। मतलब एटलीस्ट आप घूम रहे, इतनी परमिशन तो मुझे मिल जाती, मेरे घर वाले भी बहुत चल रहे हैं। हाँ लेकिन अब तो नहीं, बिल्कुल सॉरी भाई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। एक्चुअली हमने डिनर किया और डिनर करने के बाद थोड़ा सा बाहर चाय पीने आए हुए थे। तो चाय पीने के बाद यहाँ डुबना साइड आ गए, तो थोड़ा सा यहाँ पे आए हुए थे घूमने ऐसे ही बस नॉर्मली। बीच में लोगों ने बोला कि ब्लॉग बना ले भाई अगर तेरी इच्छा है तो। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट कर दे रहा हूँ मैं, हर जगह तो मैं बनाता भी, क्योंकि भाई कौन कंफर्टेबल है कौन कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं किसी को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता मेरे ब्लॉग के कारण। क्योंकि भाई पर्पज सिर्फ ब्लॉग बना नहीं होता अगर कहीं घूमने जा रहे हो आप तो। भाई ये एयरपोर्ट है और क्या, बस खड़ी हुई दिख नहीं रही होगी आपको। चल भाई जबलपुर इतना चूतिया शहर है, एक ठल्ला नहीं मिला मेरे को बीच में। भाई ये कैसी बात हुई भाई, वो एयरपोर्ट पे एक गार्ड ने बोला अपने से बस कि अबे होए, और वो भी एक गार्ड था, और वो भी इसलिए क्योंकि अपन ने कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी थी। साले एयरपोर्ट के सामने जाके गाड़ी खड़ी कर ली थी, बिल्कुल आखिरी है ना यहाँ पे, ये रोड खत्म यहाँ पे। हाँ ये देखना, जैसे रोड पे अपन चल रहे हैं ये यहाँ पे खत्म है। हाँ तो क्या चाहता क्या है तू बता? DNLU का कैंपस अपना नया वाला यहीं कहीं बन रहा है, बट उसका रूट दूसरा है। यहाँ कहीं बन रहा होगा इसे, तो बगल में एयरपोर्ट के बाजू में ही है। हाँ बट उसका रूट दूसरा है, मेरे को पता नहीं है कि प्लेन तक ले जाते। वही मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई, तू यहाँ क्यों खड़ी है? बस खराब हो गई होगी भाई, डरावनी लग रही है ये बस मेरे को। खराब वही ना भाई, एयरपोर्ट वहाँ पे बस यहाँ खड़ी है, वो भी तो वो यहाँ पे वो चढ़ने वाला भाई, तो वो भी क्यों है यहाँ पे, वो भी क्यों है भाई, वो फेंक दिया हमने यहीं पे। मतलब मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि खराब हो गया गॉड ने यहाँ पे लगे लग। तेरा ये सिर्फ अजम्पशन है भाई, अब पता नहीं किस हिसाब से कर रही है, मेरी तो फट रही है उसको देख के भाई। ये बंदा नहीं है एयरपोर्ट पे, एक बंदा नहीं है। तूने बना लिया गया सब एयरपोर्ट पे, कोई नहीं है भाई, कोई बंदा अराइवल में आया भी चलो ठीक है, आ गया कहीं से उसका एयरपोर्ट बन लेते। अगर चालू होता तो यहाँ पे लाइटिंग होती प्रॉपर। तुम ब्लॉग कर रहे हो, तुम जिस दिन एडवोकेट बन गए ना उस दिन तुम्हारे क्रिमिनल से लेके दुश्मन से लेके हर कोई तुम्हारे पीछे होगा। भाई आज का मैं सीन बताऊँ ना, मेरा जो लॉयर है ना, CMO जानता है ना, CMO
उसको ऐसा बुरा चमकाया है ना भाई, ऐसा बुरा चमकाया है ना उससे, क्या बोला, ये चूतिया जाते हैं इनको पता नहीं रहता ये क्या सोच रहा है, मैं कि यहाँ पे फ्री बैठा हूँ, मेरी कोठियारी नहीं चल रही है क्या। मैं सुन सुन के हंस रहा, मैंने कहा ये साले सीएम, मैंने कहा इतने चक्कर कटवाते हैं लोगों के, मैंने कहा बाहर खड़े रहते हैं, नगर पालिका चले जाओ, सही है, प्रैक्टिस करके छोड़ा है, वहाँ पे कारें वगैरह जा रही है, कहाँ जा रही है कार, अरे दिखी यार मेरे को यार अभी अभी दिखी थी, मतलब वो निकल गई पेड़ों के पीछे, मगर थी वहाँ पे गाड़ियाँ देखी मैंने, यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री वगैरह है, इंडस्ट्री नहीं एयरपोर्ट है भाई, एयरपोर्ट नहीं कुछ अगल बगल में कुछ है तो वहाँ, भाई वहाँ पे जब अपन एंटर कर रहे थे ना तो वहीं लिखा था कि ये एयरपोर्ट जबलपुर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट नहीं यहाँ पे कुछ ऐसा वो पेट्रोलिंग वगैरह फ्यूल वगैरह होता है ना जो, हो सकता है वो हो, तो ये कहना चाहता कि एयरपोर्ट कहीं और है, यहाँ पे फ्यूलिंग वाला सीन, एयरपोर्ट यही है, मगर अभी जो आवाज आ रही है ना वो इसी की आ रही है कि कुछ मतलब मशीन वगैरह चल रही है। अरे कहना क्या चाहते हो, हम तेरे को समझ नहीं पा रहे भाई, सीधी बात ये है। हम समझ नहीं पा रहे तू कहना क्या चाह रही है, कि जो आवाज आ रही है वहाँ पे एक लाइट आ रही है ना, वही मैं कह रहा हूँ भाई, वहाँ पे या तो ये वही रास्ता है जिस रास्ते से अपन आए हैं, ये शायद वही रास्ता है, मेरे को ऐसा लग रहा है ये वहाँ से जो अपना एक टर्न था वही वही रास्ता है। अबे DNL की मैंने यही सुना, यही डिस्प्यूट हो गया कि एयरपोर्ट के जस्ट बाजू में है तो परमिशन नहीं मिलेगी कंस्ट्रक्शन की, मैंने जो सुना था ना वो ये सुना था कि ये जो अपना एनिमल रिजर्वायर है उसको इफेक्ट करेगा इसलिए बैन कर दिया, ये चीज मैंने, ये समझ में नहीं आता अपना कॉलेज किसका है, किसके अंडर में, गवर्नमेंट के अंडर में, और गवर्नमेंट किससे खरीद रही है, गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट के बीच में लड़ाइयां चल रही हैं भाई, हम चाह रहे हैं कि तुम हमारा बीच में करप्शन, हाँ भाई लफड़े डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट, हम चाह रहे हैं हमारा कैंपस बना दो, कहीं भी बना दो, जहाँ बनाना बना दो, हमें जगह मतलब है हमने की भाई तुम 10 किलोमीटर दूर जाओ, तुम भाई जगह तो दो ढंग की, अब तुम ऐसी जगह दे रहे हो जो पहले से डिस्प्यूटेड है, जो डिस्प्यूटेड लैंड है भाई, भाई ऐसा कहूँ तो अपना स्कूल है, प्रॉपर स्कूल है, घर से निकल रहे हैं स्कूल पहुंच रहे हैं, बोर्डिंग स्कूल है भाई, बोर्डिंग स्कूल है, जिस हिसाब से रूल्स है ना उस हिसाब से बोर्डिंग स्कूल है ये अपना, एक ठुल्ला निंगा है भाई, एक ठुल्ला है ना भाई, ठुल्ला निंगा है क्या, एयरपोर्ट भाई चूतिया एयरपोर्ट है क्या ये, लेकिन मेरा पर्सनल 14,000 ठीक है, 14,000 प्लस आना पड़ा तेरे को, 14,000 कितने दिन के लिए, सिर्फ 10 दिन रहूंगा, मतलब जब मैं वहाँ पे कर रहा था ना तो भी अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी क्या देना चाहिए, तो भाई मतलब तुमने क्या दिया, मतलब क्या किया 14,000, मतलब मैं जेन्युइन पूछता हूँ, देखा हम लोग जाते थे सुप्रीम कोर्ट जाते थे उनके पास रहते थे, रेंट एंड पे कर दिए, सीधी बात ये पूरा कर दिए, एडवांस ही लेते हैं ना भाई, घंटा कोई वापस नहीं करता भाई रेंट, पहली मतलब यार सच बताऊं तो ऐसा लगा नहीं यार कि ये वेलकमिंग बाइक थी नहीं यार, अच्छा सच में मैं पोहा तो है ही नहीं भाई, मैं पोहा खाता हूं भाई, ऐसे नहीं ऐसे कोई लत नहीं लगी, मैं बचपन से नहीं खा रहा भाई, मेरे को मैं जिस दिन से भोपाल में लीगल एज में रखा हूं ना, सामने वो कौन था, अशोक 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 अबे आनंद पोहा था, आनंद सॉरी 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 भाई सॉरी आनंद पोहा, उस पे रोज खाता था मैं एक जलेबी, तो आदत बन गई मुझे, सही बात, राजमा चाय तो मिल सकती है, चाय का तो तुम कह सकते हो, चाय हर जगह मिलेगी, चाय नहीं मिलती थी अपन, बेकार जगह रोके मैं ये बता रहा हूँ तो नहीं, बहुत ज्यादा बेकार, जैसे जैसे तू कह रहे है ना कि हो सकता है बेकार जगह, मैंने भी किससे, मैं दो चीजें पे पैसा कभी बचाता नहीं हूँ, खाने पे और कपड़ों पे, बस मेरा दो चीजें खाने पे, खाने पे भाई डेली जोमेटो आता था मेरा, तुमने देखा खाने पे भाई, बिल्कुल मैं पता पहले से थोड़ा सा देख लेना था कि भाई कोविड का क्या सीन है, क्योंकि वापस आए तुम दिल्ली से तो तुम्हें बहुत रिग्रेट हो रहा होगा भाई, मैं चला हूं ना पैसे और वेस्ट हो गए ना कि भाई रेंट पे कर दिया ये पे कर दिया वो पे कर, वो 5,000 की अपन पार्टी कर लेते हैं, मैं यहां खुद फूंक देता है, मैं कसम से बता रहा हूं भाई, मैं भी दिल्ली का प्लान कर रहा था, फिर मेरी धीरे से मुंबई में लग गई, वहां का कैंसिल हुआ, तो मैंने कहा भाई छोड़ो जबलपुर आ जाते हैं शांति में, एटलीस्ट यहां पे ड्राफ्ट ड्राफ्ट सीख लेंगे एडवोकेट, भाई एक बहुत सही चीज हुई, लेकिन मैं इसको ब्लॉग में ऐड नहीं कर सकता, अगर मैं कर लूँ ना भाई टारगेट बन जाएगा हमारा भाई, देख नहीं रहा, टॉर्च बताओ इसको रख लेना टॉर्च, भाई तुम पहले मेरे को ये बताओ ये व्लॉग डलेगा भाई, किसी कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और भाई मैंने बोला नहीं था व्लॉग करने का, मेरा पर्पस भी नहीं था, इन दोनों ने बोला भाई तू व्लॉग स्टार्ट कर ले, तो मैंने कहा भाई दोनों कंफर्टेबल है, तो मैंने कहा क्यों ना भाई, मैं तो करना ही चाहता हूँ, कोई भी अगर कोई पार्ट बोलता है कट करने में भाई मैं रिमूव कर देता हूँ उसको, वीडियो इवन अपलोड हो गई ना तो भी किसी कोई प्रॉब्लम मैं हटा देता हूँ,
सो अभी भाई दोनों का कंसर्न था तभी मैं सूट कर रहा था ये मैंने कहा भाई बता दूं पहले भाई अभी हम निकल गए यहां से क्योंकि पानी भी करने लगा है बारिश हुई थी यहां पे भाई हमें हिरन मिल गया डूबना पर रात में 12 बजे अबे हिरन क्या ही करेगा भाई मैं बता रहा हूँ ना भाई मैं डोमना के अंदर भाई 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 मजे ला दिए ना भाई मजे ला दिए ना आनंद भाई मजे ला दिए वो खड़ा भाई वो खड़ा है चलते हैं यार स्विम निकलते हैं भाई रोक लेती भाई बारिश हो गई थी सिर्फ फ्लाइट एटीएम के यहाँ रुक गए थे पीछे कैंपस दिख रहा होगा आपको डुमना एयरपोर्ट के पास में ये जैसा कहेंगे आज वैसा ही होगा निखिल भाई ने बोला यहाँ ब्लॉग बनाओ यहाँ बनेगा गाड़ी वो खड़ी भाई सामने देख है हीरा को चेक तो साले नाइट वर्जन बहुत बेकार है यार उस कैमरे का कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई साला लेकिन वो हराम कर वो गार्ड ट्रिपल आई डी डीएम को उसको मैं क्या बोलूं भाई वो क्या समझ रहा था अपने को आईडी क्या है छर्रे वो अपने आप को समझ रहा था वीसी वो अपने आप को सही में वीसी समझ रहा था वो कि मैं वीसी हूं यहां का तेज बात मत करो मेरे साले क्या बोलूं मैं ये व्लॉग में डालूंगा नहीं डालूंगा मेरे को नहीं पता लेकिन यहां रिकॉर्ड तो हो रहा है ठीक है खड़े रहने दे यार 10 मिनट ठीक है चुप हो जाते हैं वही मैं इसलिए उससे कुछ बोला नहीं साले लफड़े हो जाते नहीं वो उसके साथ मारता बहुत लेकिन वो अपने भयंकर मारता वो वजनदार था वजनदार दिख रहा था सीआरपीएफ का गार्ड भाई चीफ जस्टिस समझ रहा था हाई कोर्ट का कौन सा गार्ड है चौड़ में नहीं बैठता सब कौन चौड़ में बैठते हैं लेकिन उनकी उतारनी पड़ती है जब अपन मिलते हैं तब छोड़ यार अब छोड़ो एंजॉय करो भाई बारिश बाद में याद आएंगी ना ये अब लग रहा भाई मस्त मजे किए भाई अपन तीन लोग एक्सपेक्टेड नहीं था कि अपन इतने मजे कर लेंगे वो 9 बजे के डिनर के बाद भाई बहुत सी चीजें तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं की है तो माधव सोनी भाई आता नहीं कि घूमने चलो और वो मना कर मैंने तो इससे ऐसे मैं कहना इसको 3-4 दिन से फोन कर रहा था और मैं निकल जाता था अकेला मैंने कहा भाई बंदे को बुरा लग रहा होगा कि यार मैं इससे बोलता हूँ हमेशा और मैं बाहर के लौंडों के साथ निकल जाता हूँ घूमने की मदद में तो मैंने इससे बोला कि यार तेको अगर मैंने कहा चलते हैं तेको चाय पिला रहा हूँ ये डेली बोलता है चाय पी के आते हैं तो मैंने बोला कि भाई चलो चलते हैं और तूने बोला कि भाई तू भी चल रहा है मैंने चल भाई चल रहा है तो चल और क्या मैंने कहा आज भाई बंदे घुमा के लेके आना पड़ेगा मैंने उससे बोला मैंने कहा भाई तेरे चलना है बोलता हाँ चलते हैं तुरंत तैयार हो गया और तू मिल गया भाई तू भी चल चल रहा है तो सीन बन गया था भाई ये भाई याद रहेगा भाई ये तो जिंदगी भर याद रहेगा अब मैं बताऊं अगर देख जैसे अगर अपनी बॉन्डिंग नहीं होती तो भाई ये अपने रूम में बैठा होता है भले कहीं घूम रहा था तू अपने रूम में बैठा तो मैं अपने रूम में कोविड ने ब्लेंडर कर दिया है यार लेकिन भाई लेकिन ये जो दोस्त मिले ना मैंने कमाए हैं भाई कमाए कसम से कमाए हैं मैंने भाई मेरा कोई नहीं था ना यार भाई ऐसा सोचेगा तो भाई क्यों तू ग्रो नहीं कर पाया अकेला रहना सीख गया ना वही तो मैं वही भाई अकेले रहना सीखना पड़ेगा तेरे को है ना दोस्त अकेला रह रहा हूँ सुनना जरूरत देखो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा भाई जरूर पड़ेगा इसलिए तो मैं यहाँ पे भाई मैं HNLU गया था ना भाई मैं HNLU गया था ना मेरे ग्रुप का एक भी बंदा नहीं गया था जानवी को छोड़ के जानवी मेरे साथ क्लास में बैठती है उसको छोड़ के एक बंदा नहीं गया था मैं भी जा रहा हूँ मैं गया भाई हिमांशु लोगों के साथ गया था मस्त चल किया भाई मैंने तो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता तो मैं घूम ही नहीं पाता ना भाई अपॉर्चुनिटी मिस कर देता वो तो मुझे नहीं पता था कि इतना जब तुझसे बात के इतना अच्छा लग रहा है सच बता रहा हूँ भाई मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन भाई अब जाके बात के ना इतना अच्छा लग रहा है अब मुझे बार रिपीट कर चुका ये आठ बार रिपीट कर चुका ये बार पहले मिलना चाहिए था यार कसम से अब भाई क्या कोविड ने ब्लंडर कर दिया था मैं मिल नहीं पाया अगर ये पहले मिला होता तो मेरी मनाली की ट्रिप होती भाई बंदे नहीं होती भाई तू बोल रहा है यार भाई इनकी गोवा की फ्लाइट है भाई इनकी मैं सुन पा मेरी तो कैंसिल हो गई भाई इनकी गोवा कोई दिक्कत नहीं है ये जा कहाँ रहे हैं हम कल आ रहे हैं हम कल आ रहे हैं चाचा भाई रुक गया बहुत मजा आएगा निकल सो जा भाई जब नींद आ रही है टपरी में टेबल लगी है सो भाई यहाँ मस्त व्यू आ रहा है भाई क्या बता हम थी भाई दिन में आना चाहिए था हम इतने अंदर का भी आए नहीं है भाई कसम से दिन में भाई कार मार निकल रही है यहाँ से तो भाई मेरी तो गोवा की फ्लाइट मिस हो गई है इन लोगों की भाई है फ्लाइट तो ये लोग जा रहे हैं ओह माय गॉड वाओ
क्या कर सकते हैं, मस्त हम तो टपरी पे बैठे दिख नहीं रहा। One eternity later. गंदा हो गया भाई, भाई पूरा गंदा हो गया भाई बेचारा। मैंने ये देख, ये मेरी तो शायद स्वेटर भीग गया। स्टोरी भाई फिर से बता, ये जूते वाली स्टोरी फिर से बता भाई, ब्लॉग में जानना है लोगों। स्वेटर देखना गंदी हो गई पूरी, गंदी हो गई। हाँ मतलब कीचड़ इतनी भाई, फिर भी तेरे सूज से तो भाई बेचारे ने। एक्सपर्ट एडवाइस भाई, सूख गए लेकिन अपन जूते भूल, मैं सूख गया भाई थोड़ा हल्का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अभी व्लॉग एंड कर रहे हैं हम लोग। और ये हमारे वैशाल भी आ गए और ये निकल भाई हॉस्टल हम लोग आ गए थे। सो थोड़ा सा ब्लॉग बना लिया था यार ऐसे ही नॉर्मली। इन लोगों ने बोला भाई, मैं तो पहले स्टार्टिंग में तो मैं बनाने का मैं पर्पस वो था ही हमारे जाने का, बट बन गया। जो भी थोड़ा बहुत पसंद आया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय बाय। मेमोरी बन गई भाई अब तो, है ना।